हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है माय फेवरेट लिप कलर्स। मेरे पास लिप कलर्स का बहुत बड़ा स्टॉक है, बट नॉट ऑल ऑफ देम यू फॉल इन लव, राइट? तो मेरे पास भी बहुत सारा कलेक्शन है, बट आई एम नॉट लाइक कम्प्लीटली इन टू ऑल ऑफ देम। कुछ हम सिर्फ इसलिए खरीद लेते हैं कि यू नो उस टाइम पे अपीलिंग लगता है, बट लेटर ऑन व्हेन वी पुट इट तो हमें लगता है कि इट्स नॉट दैट गुड। कुछ हम इसलिए ले लेते हैं बिकॉज समबडी सेज यू हैव टू ट्राई इट। क्या कलर है, वाओ, इट वाज अमेजिंग, दिस एंड दैट, एंड बिलीव मी आई हैव फॉलन प्रे ऑफ दीज थिंग्स। अगर कोई मुझे इतनी तारीफ करता है तो आई हैव बीन टू द मार्केट जस्ट बिकॉज दे सेड इट इज रियली अमेजिंग। आई वेंट फॉर इट, मैंने खरीदी एंड आई एंडेड अप नॉट लाइकिंग इट। सो यस, इट डज हैपन। सबका टेस्ट सेम नहीं होता है, सिमिलर नहीं होता है ऑब्वियसली। सो आप खुद ट्राई करते रहिए आपको कौन कौन से कलर्स पसंद आते हैं एंड एवरीथिंग। आज की इस वीडियो के लिए मैंने कुछ बहुत ही अपने यू नो डिस्टिंक्टिव लिप कलर्स निकाले हैं। मैंने अपने मैट का लिप कलर स्वॉचेस किए थे और उसमें मैंने 3 आउट ऑफ द पैकेज दिखाए थे और 2 मेरे सेपरेट लवीज दिखाए थे, तो उन लोगों को मैं अभी इसमें इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। आई एम शोइंग द अदर वंस आई हैव एंड आई लाइक। सो वन मोर थिंग डिस्क्लेमर, ये सारे के सारे लिप कलर्स नए नहीं है, दीज आर ऑल यूज्ड, like they are being used, some of them are like at the verge of being over. And I'm ready with the makeup remover and my cotton swabs. Unka usage ke baad mera kya experience raha hai unke saath, that I'm sharing. Believe me, this collection of mine is a gem. I love, love, love. And aisa nahi ki isme sare ke sare MAC and Bobbi Browns hain. I have some very, really, you know, pocket friendly lipsticks also, which I am in love with. And they are like some of them, they just surpass the MAC. Her lipstick ka rate, present rate jo chal raha hai, wo description box mein ya meri screen pe, wherever I'll be comfortable at the time of editing, main laga dungi. So you can, you know, evaluate for yourself. But these lipsticks are a real gem. For me, they are like everything. Wherever I go, ye particular shades, रेड्स हैं, पिंक्स हैं, ब्राउन्स हैं, एंड देयर आर न्यूड्स, सो आई कीप देम ऑल टुगेदर सो दैट यू नेवर नो अकॉर्डिंग टू द मूड आपको क्या पसंद आज है, राइट? सो बिकॉज आई एम वेयरिंग ब्लैक एंड व्हाइट, समटाइम्स आई पुट अप वेरी नियोनिक पिंक कलर एंड दैट ऑल्सो गोज रियली वेल, आई गॉट एप्रिसिएशन फॉर दैट ऑल्सो। सो टूडे ऑल्सो आई एम वेयरिंग अ मरूनिश वन, सो इट डिपेंड्स ऑन योर मूड एंड वॉट कम्स इन फ्रंट ऑफ योर आईज, यू नो, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। So lipsticks are all about your moods and all about what you like in your collection the most. So mera lip color decide karne ka tarika bahut hi, you know, narrow hota hai ki aaj mujhe, for example, I have to stay out for very long time, to mujhe kuch aisa lipstick put up karna hai jisse mujhe bar bar touch up na karna pade, jo ek bar lagaya and you're good to go. कुछ ऐसे होते हैं कि जस्ट फॉर द सेक कि अभी लगाना है, 2 घंटे का काम है एंड दैट्स दैट्स एनफ, सो वो हो जाता है। समटाइम्स इट्स लाइक इट्स मैचिंग योर आउटफिट, सो यू नो दीज आर द फैक्टर्स कि हम कलर इस तरीके से पकड़ते हैं। सो फर्दर ब्ला ब्ला ब्ला, मैं शुरू करना चाहती हूँ वीडियो। सबसे पहले जब भी मुझे स्मूथ यू नो एप्लीकेशन चाहिए होता है लिप कलर का, समटाइम्स इट हैपेंस, आप लोगों जो भी लिप कलर यूज करते हैं यू मस्ट बी नोइंग, कि हमारे लिप्स समटाइम्स दे आर नॉट चैप्ड बट स्किन निकलने लगती है, तो वो अनइवननेस आपकी लिप्स पे आ जाती है। तो जब आप लिप कलर अप्लाई करते हैं, कितना ही अच्छा और कितना ही गुड क्वालिटी का लिप कलर आप यूज कर लीजिए, बिकॉज द सर्फेस एट विच यू आर अप्लाइंग इट वो स्मूथ नहीं है, तो वो जो इम्पैक्ट है उस कलर का, उस यू नो प्रोडक्ट का, वो कम्प्लीटली नहीं आ पाता। सो आई यूज MAC लिप स्क्रबर्शियस, आई हैव कभी पढ़ा ही नहीं है, यूज करती रहती हूँ। दिस इज MAC लिप स्क्रब, मैं इसको रीड कर रही हूँ एंड दिस इज द प्रोडक्ट, राइट? ये इतना सॉफ्ट एंड सटल एंड यू नो बहुत ही माइन्यूट ग्रैन्यूल्स हैं एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल, इसकी खुशबू बेहद खूबसूरत है, बेहद बेहद टेम्पटिंग है। इसका नाम है कैंडीड नेक्टर लिप स्क्रब, राइट? तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं बिफोर अप्लाइंग द लिप कलर,
आप इसको हल्का सा अपने लिप्स को स्क्रब करके और कॉटन से या वट एवर यू हैव आप उसे क्लीन कर लीजिए एंड देन अप्लाई लिपस्टिक। मैं इसको सिर्फ तभी यूज करती हूँ जब मुझे यू नो ऑब्वियसली जब मैं कुछ बहुत अच्छा लिप कलर लगा रही हूँ एंड आई वॉन्ट टू यू नो पॉप आउट एंड इट शुड बी लाइक डिफाइंड देन आई यूज इट। अदरवाइज ऑब्वियसली मूड के ऊपर होता है, आज नहीं लगाना है तो नहीं लगाना है, लगाना है तो फिर पूरा प्रॉपरली लगाना है। सो दैट काइंड ऑफ अ डे। सो डू ट्राई दिस आउट, आई लाइक इट। बहुत सारे लिप स्क्रब्स मैंने यूज किए हैं, आई डिड नॉट लाइक इट, बिलीव मी। एक एप्लीकेशन के बाद दे हैव बीन जस्ट लाइंग इन द ड्रॉअर एंड कोई यूजेज नहीं है। दिस दो आई हैव लाइक यू नो व्हेनेवर आई एम टेम्प्टेड टू यूज सम गुड लिप कलर आई सर्च फॉर दिस, सो इट्स अ विन विन प्रोडक्ट। मैं आपको स्वॉच करके दिखा रही हूँ बिकॉज हाथों में इतना ज्यादा क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, सो आई थॉट कि अगर इन्फॉर्मेटिव बनानी है तो चलिए लेट्स गेट क्रेजी पुटिंग ऑफ ऑल द लिप कलर्स ऑन माय फेस टुडे। सो द फर्स्ट कलर वुड बी ब्राउन फ्रॉम बॉबी ब्राउन एंड दिस कलर इज सो अमेजिंग आई कैन नॉट टेल यू कि आप कोई भी हैं, आपको डार्कर शेड्स पसंद है, आपको लाइटर शेड्स पसंद है, दिस पर्टिकुलर कलर यू विल फॉल इन लव विद। ये इतना सटल है, इतना क्लास अपार्ट, आई कैन नॉट टेल यू, यू हैव टू गो फॉर इट। अगर आप न्यूड्स की तरफ जाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, प्लीज स्टार्ट विद ब्राउन ऑफ बॉबी ब्राउन एंड दिस इज अमेजिंग। लेट्स सी, सो दिस इज एब्सोल्यूटली यू नो न्यू, you can just have a look. This is brown from Bobbi Brown. You will see, you will fall in love instantly. और इसका जो time period है ये ऐसे ही रहेगा for a very long time until unless obviously you eat like बहुत ज्यादा या कुछ बहुत ज्यादा drink आप कर रहे हैं तो भी like normal and nominal कर रहे हैं तो कोई problem नहीं, पर अगर ज्यादा करें तो obviously ये थोड़ा सा चला जाता है। Second would be another one from Bobbi Brown again. The two shades from Bobbi Brown I'm showcasing right now. This one is your red carpet. And आप इसको क्यों ले? Red ही तो है. और मैंने पहले भी mention किया मेरा red favorite कुछ और है. Then why to buy this? If you want to, you know, इसका एक matte look है. You just apply it and आप भूल जाइए. You will have to get rid of it. आपको मेकअप रिमूवर की जरूरत पड़ेगी इसको हटाने के लिए। सो दिस स्टेज ऑन। सो दिस वॉज रेड कार्पेट फ्रॉम Bobbi Brown अगेन। ये स्टे ऑन के लिए आप इसको अब लगा के इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस फॉरएवर। जब तक आप इसको वाइप ऑफ नहीं करेंगे ये ऐसे ही रहने वाली है। सो ये स्टे ऑन के लिए मैं रखती हूँ, अदरवाइज माय फेवरेट रेड इज अबाउट टू कम, आई विल शो इट टू यू। I should have gone for the red at the last. Anyways, the next would be your stay on की बात चली है तो color show का Maybelline color show intense crayon, ये भी वही है and it's a crayon. Please sorry for the you know appearance, they are really bad in condition. अब application देख रहे हैं किस तरीके से glide हो रहा है। You have to control the way it goes, rolls around. So this is dark chocolate from Maybelline crayon lip color. So you see, this is beautiful, beautiful, and सबसे important, it is so soft and amazing. The intensity of the color you can see, full coverage, completely covered, and it looks amazing. टू डाई फॉर मैं बता रही हूँ, मैं सबके लिए यही बोलने वाली हूँ बिकॉज मैंने सिर्फ वही कलर्स
शॉर्टलिस्ट किए हैं यहाँ पर जिनके लिए आई एम इन यू नो, मैं कहीं भी बाहर जाती हूँ, मैं रैंडमली यू नो इफ आई एम गोइंग फॉर अ वीक तो मैं बहुत सारे यू नो रैंडमली कपड़े रख लेती हूँ. इफ आई एम गोइंग फॉर अ वीक तो आई कीप 14 क्लोथ्स विद मी. एंड क्योंकि 14 क्लोथ्स रखे हैं तो यू नो कैसा भी मन कर सकता है लिप कलर लगाने का. तो ये पर्टिकुलर शेड्स मैं अपने साथ लेके चलती हूँ ऑलवेज, पता नहीं कौन सा लगाने का मन कर जाए ना. सो दिस इज इट. ओके, आई एम गोइंग टू लुक हनुमान जी इन सम टाइम. ऑलराइट, सो द नेक्स्ट वुड बी ओके माय फेवरेट रेड. ओके, रेड मैं लास्ट में दिखाती हूँ बिकॉज रेड काफी ज्यादा मुझे क्लीन करने में इशू आ रहा है. सो द नेक्स्ट वुड बी सी शेल. इट इज इन अ वेरी बैड कंडीशन, आई एम सॉरी, बिकॉज मैं क्या करती हूँ मॉर्निंग में जो लिप कलर लगाया वही पॉकेट में रखा है, आई जस्ट रन अवे. सो दिस इज फॉर दोज डेज जिस दिन आई एम वेयरिंग समथिंग रियली लाइट, वेरी कैजुअल, वेरी नॉर्मल, तो उस दिन जस्ट अप्लाई इट एंड रन. एंड मैक्स आर लाइक गुड, आपका दे स्टे ऑन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. ऑब्वियसली इट इज लाइक नॉर्मल, अगर आप बहुत ज्यादा यू आर ड्रिंकिंग, यू आर यू नो ईटिंग, तो देर आर गुड चांसेस कि इसका स्टे ऑन उतना लंबा ना रहे. तो इट इज नाइस, राइट? सो आई विल शो इट टू यू. सॉरी फॉर द बैड कंडीशन ऑफ द लिपस्टिक. दिस वॉज मैक सी शेयर इफ यू वॉन्ट लाइक इट इज 520 सी शेयर B38. सो नेक्स्ट इज अगेन मैक. पैक के मैंने चार शेड्स निकाले हैं. सो द फर्स्ट वन, दिस वन वाज सी शेयर, दिस वन द नेक्स्ट वुड बी मेहर. ओके, आई विल क्लीन इट अप. हूसेवर इज प्लानिंग फॉर अ लिप स्वॉचेस, लेट मी गिव यू अ गुड सजेशन. आप लाइटर शेड से स्टार्ट कीजिए, फिर रेड्स पे जाइए बिकॉज इट इज गोइंग वेरी वेरी पर्टिकुलर. So the next shade is from MAC, that is Meher, and this one is my favorite again. Iska application, iska stay on, the way it you know looks. So simple yet so beautiful. So I can show it to you. This one is Meher from MAC. मैक का जो रेड कलर का रूबी वू है, आफ्टर दैट आई गेस दिस वन इज दैट वेरी पॉपुलर एंड बिल्कुल सही पॉपुलर है, बहुत अमेजिंग लिप शेड है. अनदर वुड बी फ्रॉम मैक अगेन, दिस वन इज वेलवेट टेडी B38 अगेन, एंड दिस इज अंडर द कैटेगरी ऑफ एब्सोल्यूटली न्यूड. ये भी न्यूड शेप में आता है एंड दिस वन इज ऑल्सो न्यूड. ओके, सो दिस वन दैट आई एम अप्लाइंग इज वेलवेट टेडी, एब्सोल्यूट न्यूड. सो दिस इज एब्सोल्यूटली न्यूड, दिस इज वेलवेट टेडी एंड बहुत ही ज्यादा यू नो the day you're wearing like absolutely subtle makeup and you want a subtle look, so velvet teddy is what you should go for. All right, so the next one would be Lakme 925. This one is fuchsia suede. I don't know how to pronounce, main naam likh dungi niche. And ye bhi 9 to 5 जैसा नाम वैसा काम, बहुत ज्यादा लंबा स्टे ऑन है. सो दिस वन इज फुशिया सूड फ्रॉम लैक्मे 9 to 5, और इसका एप्लीकेशन भी इतना स्मूथ और ये इतना लाइट है, आई कैन नॉट टेल यू. आप इसको लगाइए एंड यू विल नॉट इवन फील आपने कुछ यू नो
एप्लीकेशन किया हुआ है अपने लिप्स पे, ये इतना लाइट है. सो इफ यू आर लाइक रियली गोइंग फॉर समथिंग वेरी यू नो यू वॉन्ट टू बी कम्फर्टेबल एंड आप बहुत ज्यादा यू नो यू डोंट वॉन्ट टू फील हैवी बिकॉज आपने व्हाटएवर हैवी मेकअप किया है व्हाटएवर, तो दिस इज गोइंग टू मेक यू फील रियली लाइट. यू आर वेयरिंग समथिंग रियली रियली यू नो आउटस्टैंडिंग एंड यू आर नॉट इवन फीलिंग वेरी, सो इट्स अ वेरी वंडरफुली ब्यूटिफुल कंडीशन. So this is Fuchsia Sweet from Lakme 9 to 5. The next would be, okay, so the next would be actually जो मैंने भी Lakme का 9 to 5 Fuchsia Sweet आपको दिखाया है, color essence का the name is HP4 Mistress. ये भी उतना ही ब्यूटिफुल है, ये थोड़ा सा और नियॉन कलर है, इट इज अ लिटिल बिट टुवर्ड्स द नियॉन थिंग. Fuchsia Sweet from Lakme 9 to 5, क्या बोल रही हूँ, Fuchsia Sweet from Lakme 9 to 5 was a liquid lipstick. This one is color essence, this is crayon. वो थोड़ा सटल है, थोड़ा सा डार्कर साइड में है, बट ये बहुत ही नियॉन एंड यू नो मैंने इसी ड्रेस के साथ इसको भी कैरी किया हुआ है. एंड दिस वन इज Lakme, सॉरी, एंड दिस वन इज कलर एसेंस मिस्ट्रेस. Going to be my new lip colors, but क्योंकि metallics में मेरे पास यही है तो I really like it. ये NYX की तरफ से मैंने अभी recently मंगाए थे, जब वो आपका Nykaa का Pink Friday haul something था, that's when I ordered these. ये कुछ इस तरह से दिख रहा है और सो दिस इज NYX की तरफ से मेटालिक शेड रोम एंड आई लाइक इट बिकॉज ऑब्वियसली मेटालिक्स में मेरे पास ये दो ही शेड्स अवेलेबल है. NYX से एक्चुअली मैंने 4 शेड्स मंगाए थे, सो दो ये मेटालिक और इन्हीं शेड्स के दो नॉन मेटालिक नॉर्मल मैट लिप कलर, तो दे आर ऑल्सो नाइस. बट मेटालिक में एक ये जो इन्होंने हल्का सा ग्लिटरी डिमेंशन दिया है, इट इज लाइक यू नो आउटस्टैंडिंग ऑल टुगेदर एंड इट्स वेरी वेरी लाइट, यू आर नॉट फीलिंग दैट यू आर वेयरिंग समथिंग एंड इट्स अमेजिंग. ऑलराइट, द अनदर वन फ्रॉम NYX इज मिलान एंड दिस इज ऑल्सो मेटालिक. This is my current favorite. मैंने अभी तक ये कहीं use नहीं किया है, but I'm sure जिस दिन भी मैं pink या purple पहनने वाली हूँ, this is going to rock it all together. And ये बहुत ही beautiful. और इससे this is Milan. And इससे पहले जो मैंने लगाया था, that was Rome. Next one is your Estee Lauder and it is like really intense. So this one is Estee Lauder and it's really really you know darkest of all the colors and again stay on ke liye agar aapko chahiye ye shade. So this one is it. All right. So the next would be going all. All right. I'm unable to, you know,
Just focus on the lips. It's just going heavy over here, isn't it? So the next would be your... This is a very simple lipstick. This came in some fab bag, I guess. And my sister, she said this is amazing. Or ye pura lot aaya tha. Usme se ek color maine choose kiya tha. This is Seduction. And main jo bolne wali, it is going to really surprise you. Alright, so this one is Seduction. I don't know. ये बहुत नया ब्रांड है Seduction. पूरा नाम भी नहीं दिख रहा है. It has like wiped off completely because of my mishandling. This is Seduction 02 number. And ये बहुत ही अभी नया नया ब्रांड है और काफी ज्यादा इसका you know इतना famous नहीं है. But believe me, this particular color gives somehow, I don't know. इन द कलर रेंज जो एस्टी लॉडर का मेरे पास है प्योर कलर लव लिपस्टिक रूज लीव आई डोंट नो 410 लव ऑब्जेक्ट एस्टी लॉडर विज दिस एंड दिस वन इज Seduction. ये यू नो इंटरचेंजेबली मैंने इसको यूज किया. ये थोड़ा सा डार्कर है, ये थोड़ा सा लाइट है, बट यू नो द इंटेंसिटी दैट इट गेव बिकॉज मैंने एक ड्रेस पहना था. इट वॉज समवेयर इन बिटवीन, यू नो इन दो शेड्स के बीच में था उसका कलर. मैंने अप्लाई किया था एस्टी लॉडर और मैं इसको घर छोड़ के चली गई. और जहां पे मैं गई थी, माय सिस्टर शी हैड दिस लिप कलर और मैंने इसको लगाया कम्प्लीटली, यू नो इट कम्प्लीटेड दिस एस्टी लॉडर. सो मुझे उसी समय इससे यू नो प्यार हो गया था. इट इज रियली रियली सिंपल एंड रियली वेटलेस. आपको लगता ही नहीं है कि आपने पहना है. सो Seduction अगर आपके अक्रॉस कहीं आता है, इट्स अ वेरी सिंपल ब्रांड अगर आप चेक करें तो. लेकिन फिर भी इट सर्व द पर्पज एंड that made it the hero at that point of time. So I have it still and I really like it. Next one is your Maybelline. This is 730 golden brown. आप इसको देखेंगे ना, देखिए मत सुनिए. It is absolute coconut. सिर्फ coconut की खुशबू आएगी आपको. आप इसका एप्लीकेशन भी देख लीजिए. दिस इज नॉट मेटालिक बट आप इसका अपीयरेंस देखिए. इट इज एब्सोल्युटली लुकिंग लाइक इट इज मेटालिक. और ये इतना लाइट है जैसे आपने ऑयल लगाया है अपने लिप्स पे. इतना स्मूथ, इतना स्मूथ. ये इतना स्मूथ है कि आपको लगेगा कि आपने रियली ऑयल का एप्लीकेशन करा. दैट इज दैट स्मूथ. सो दिस इज Maybelline गोल्डन ब्राउन 730. प्लीज इसको ले लीजिए. ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है. ओके, बाकी सारे लिपस्टिक्स को हटाने के लिए मुझे मेकअप रिमूवर का यूज करना पड़ा. बट Maybelline का जिसको मैं बोल रही हूँ कि कंप्लीटली ऑयल है, मैंने उसको एब्सोल्यूट सिर्फ कॉटन से पोंछ दिया. कैन जस्ट हैव अ लुक. नहीं, ये नहीं था. जस्ट एक स्वाइप में कॉटन से चला गया. सो इतना इंटेंसली ऑयली है. नेक्स्ट इज योर My love, Bella Perry. My favorite red color. आप इसको लगाएंगे, आपको लगेगा ही नहीं आपने लिप कलर लगा रखा है. It is that smooth. This is Bella Perry. My favorite red. इतना light है कि लग ही नहीं रहा कि कुछ पहना है. It is like you are not wearing anything on your lips. Negative point. This is transferable. बस यही नेगेटिव पॉइंट है. बाकी जितनी भी मैंने अभी तक आपको दिखाई है, बॉबी ब्राउन का जो ब्राउन था वो भी थोड़ा बहुत ट्रांसफरेबल है. बाकी कोई भी ट्रांसफरेबल नहीं था. इसकी दो. ऑलराइट, सो द लास्ट टू. सो लोटस की हैं दोनों एंड वेरी अफोर्डेबल. दिस इज पिंक किस 583. मैं आपको एप्लीकेशन करके दिखाऊं. सो दिस इज इट लोटस. सो दिस इज लोटस पिंक किस एंड इट इज रियली नाइस, वेरी सटल.
एंड बहुत ज्यादा यू नो ओके एंड ये इनिशियली ट्रांसफरेबल है, लाइक मैं अभी चेक करूंगी तो ये ट्रांसफर हो जाएगा, बट इफ यू लेट इट बी फॉर सम टाइम तो ये नॉन ट्रांसफरेबल, लाइक इट इन्फ्यूजेस देयर व्हाटएवर इट इज, तो फिर ये ट्रांसफरेबल नहीं है. सो आई रियली लाइक इट. सो द लास्ट वन इज ऑल्सो फ्रॉम लोटस एंड दिस इज ट्यूलिप. एंड आप देखिए ये टूवर्ड्स न्यूज है. बहुत बुरी कंडीशन में आई कीप माय लिपस्टिक्स. सो दिस इज ट्यूलिप फ्रॉम लोटस एंड दिस इज ऑल्सो नॉन ट्रांसफरेबल इफ यू लेट इट बी फॉर सम टाइम. एंड वेरी पॉकेट फ्रेंडली लोटस एंड योर सेडक्शन एंड योर मेबलिन एंड इज योर एंड कलर एसेंस. तो ये सारे NYX. So these are all pocket friendly lip colors. So these were my favorite lip colors. I hope you liked it. अगर आपको इनमें से कोई भी color लेना हो तो I can vouch for it. I am really, really, really in love with all these colors. And आप बिल्कुल अगर आपको कभी भी इनमें से कोई एक color सामने आता है तो definitely go for it. It's a big yes, yes from my end. And these are like really, really nice and subtle and beautiful colors. So do go for them. Do let me know in the comment section कि आपका favorite lip colors out of the ones I have shown you कौन सा था. And या फिर आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपका personal favorite lip color कौन सा है so that I can give it a try. So I'll see you all in the next video with something new about makeup. Till then, take really good care of yourself. I'll see you all in the next video.